next we will discuss about the types of the t cells t lymphocytes so there are four types of the t cells these are not mentioned in your book uh, but still you should know about them and in one sample paper also this question came so that's why i'm discussing here the four types of the t cells in your book only it is give, uh, that is given the t cells they help the b cells to uh, produce the antibodies so, let's do these types in detail so first that is uh, that are the killer cells second helper t cells third memory t cells, and d that is suppressor t cells so killer helper and suppressor these are the main types of the t cells uh, next first are the killer t cells when the किलर टी सेल्स दे एनकाउंटर ए पैथोजन मीन्स कि जब कोई पैथोजन इन सेल्स के पास आता है देन वट दे विल डू दे सिक्रीट ए प्रोटीन परफोरिन ओके वो सिक्रीट करते हैं परफोरिन को और परफोरिन क्या करता है कि जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं एज जो टी सेल्स टी सेल्स क्या करते हैं इन्फेक्टेड सेल्स को अपना टारगेट बनाते हैं क्लियर तो जो परफोरिन होता है वो परफोरिन आगे क्या करेगा कि जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको लाइस कर देते हैं लाइस मीन्स कि उनको रप्चर कर देते हैं दे पंक्चर दैम और अगर कोई सेल पंक्चर हो जाएगा तो इट मीन्स कि वो किल हो चुका है सो आई शो वन डायग्राम हेयर दैट सपोज दिज आर दी टी सेल्स एंड दे आर प्रोड्यूसिंग दी परफोरिंस और वो परफोरिंस आगे क्या करते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पंक्चर दी इन्फेक्टेड सेल्स सपोज दिस इज द इन्फेक्टेड सेल्स So, so they puncture it and because of that cell lies and when the cell lies then automatically it will it kills the cell clear now next are the helper t cells as they why the name that is helper because they help the b cells to produce antibodies even they stimulate the t cells to destroy the non-self cells ठीक है नॉन सेल्फ सेल्स मीन्स कि जो हमारी बॉडी के सेल नहीं है जो फॉरन सेल्स होते हैं क्लियर नाउ नेक्स्ट आर दी सप्रेसर टी सेल्स सप्रेसर टी सेल्स हमारे खुद के इम्यून रिस्पॉन्स को तब इनहिबिट करता है जब उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती मीन्स इफ़ द इन्फेक्शन दैट इज़ कंट्रोल्ड इफ़ देर इज़ नॉट एनी पैथोजन इन आर बॉडी सो नो इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम सप्रेसर टी सेल्स दे इनहिबिट

तो उससे क्या हो सकता है कि हमारी खुद के जो सेल्फ सेल्स होते हैं वो किल हो सकते हैं ओके सो इनहिबिटिंग द इम्यून रिस्पॉन्स फ्रॉम अटैकिंग द बॉडीज ओन सेल्स तो इस चीज़ को वो रोकता है नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट दैट आर मैमरी टी सेल्स मैमरी टी सेल्स एज ऑल ऑफ यू नो दैट इफ सपोज द मैमरी दैट इज़ प्रेजेंट अगर सेकेंड एनकाउंटर होता है अगेंस्ट द सेम पैथोजन देन what will happen that the secondary response it will occurs with the high intensity clear